हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जो 29 अगस्त को टैली की न्यू रिलीज आई 6.1, उसमें क्या चेंजेस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्यों। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको नीचे में आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर आप सब्सक्राइब करें, रेड रंग से बटन होगा। उसके बगल में आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर भी आप क्लिक करें ताकि आपको मेरी जो न्यू वीडियोज़ है उसकी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपने, मैंने 20 अगस्त को, यानी कि जो इससे पहले का रिलीज़ वर्जन था, मैं उस पर टैली यूज़ कर रहा था, तो मैंने उसमें एक एंट्री पास की थी। देख सकते हैं मैंने दो एंट्रीज पास की हैं, एक कैश में और एक आपको मैंने B2B की और एक B2C एक एंट्री पास की है। अब इसका क्या इफेक्ट हुआ है जो न्यू रिलीज़ आई है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि आप अपनी टैली को अपग्रेड कर लेंगे 6.1 में, जैसे कि मैंने अपने टैली को ऑलरेडी कर रखा है। आप देख सकते हैं नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ वर्जन से अपडेट्स हैं, वहाँ सीरीज़ ए रिलीज 6.1, इसमें आप अपडेट कर लेंगे अपनी टैली को, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं हम स्टेचुअरी रिपोर्ट्स में GST। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैप UOM और UQC करके, ये क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप पहले जब इंट्रीज करते थे तो आप पीसेज, नोज वगैरह जो भी लेते थे अपने मन से लेते थे और जिस टाइप से आप चाहते थे उस टाइप से आप लेते थे। तो फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया है, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है उसी तरीके से आपको लेना है। जैसे आप देख सकते हैं यूनिट UQC का फुल फॉर्म होता है यूनिट क्वांटिटी कोड, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जैसे आपने जो भी अपनी पुरानी जिस भी तरीके से ले के रखी हैं यूनिट्स, उसे आप यहाँ से चेंज करेंगे। एल्ट के साथ एस प्रेस करें, अदरवाइज आप बटन बार पर मैप टू UQC करके दिखाई दे रहा होगा आपको, उस पर आप क्लिक करें तो लिस्ट ऑफ UQC ओपन हो जाएगा। इसमें जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं GM है, ग्राम है, तो मैं G प्रेस करूंगा, यहां पर आ जाएगा ग्राम के लिए मुझे क्या लेना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है GMS ग्राम्स, ये आपको लेना होगा, तभी फ्रेंड्स जो आपकी एंट्रीज हैं वो परफेक्टली होंगी। नहीं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि GSTR-1 में, मतलब कि मैंने सेल की एंट्री पास की तो वो GSTR-1 में जाती है, तो उसमें मैं दिखाऊंगा जो मेरी पुरानी एंट्रीज है उसमें से मैंने कुछ को यहाँ पर सुधारा है। जैसे आप देख सकते हैं मीटर पीसेस को सुधारा है तो वो ठीक हो गई हैं, लेकिन जो उसमें यूनिट्स मेरी, मतलब मैंने नहीं सुधारी हैं इसके हिसाब से, लिस्ट ऑफ UQC के हिसाब से, तो वो इनकम्प्लीट मिसमैच में चली गई हैं। तो आपको यहाँ से आप चाहें तो सारी आप यूनिट्स को अपनी सुधार लें, जितनी भी आपकी यूनिट्स हो। तो अभी फ़िलहाल मैं नॉट अप्लीकेबल करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक दिखानी है, ये जो नोज़ है मैंने उसे सुधारा नहीं, जानबूझ के मैं दिखाऊँगा आपको कि वहाँ पर आपको GSTR-1 में क्या इफेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए GSTR-1 मैंने ओपन किया, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूँ बात कि अब इन्होंने किस तरीके से अपने फॉर्मेट को कर दिया। जो पहले आप इसका फॉर्मेट देख रहे थे कुछ अलग टाइप का था, आपको याद होगा अगर आपने यूज़ किया होगा तो। अब इन्होंने जैसे GST का पोर्टल होता है सेक्शन वाइज, उस हिसाब से इन्होंने अपने फॉर्मेट को कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं B2B इनवॉइस में आपको 4A 4B 4C और 6B 6C, जैसे कि आप गए होंगे GST पोर्टल पे तो आपने देखा होगा GSTR-1 में, उसी तरीके से इन्होंने कर दिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट और डेबिट नोट जो है पहले एक साथ आते थे रजिस्टर और अनरजिस्टर के लिए, अब ये भी अलग हो गए। और सबसे बड़ी चेंजिंग जो आपको दिखाई दे रही होगी HSN वाइज समरी, ये आपको अगर आप HSN वाइज देना चाहते हैं अपनी डिटेल्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आपकी 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो आपको HSN कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अपनी सेल इनवॉइस पर। उसके बाद आपको मालूम होगा कि अप टू 5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको 2 डिजिट का HSN कोड यूज़ करना है गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर आप पूरा का पूरा HSN कोड, यानी कि जो 8 डिजिट का HSN कोड है, अगर पूरा यूज़ करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उससे ज़्यादा है, आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, तो आपको पता ही होगा कि 4 डिजिट का HSN कोड यूज़ करना है। और 1.5 करोड़ से ज़्यादा होने पर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको HSN कोड वाइज, शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है, आपको डिटेल देनी है GST पोर्टल पे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, जो भी आपका सेल होगा वो आपका HSN कोड वाइज दिखाई देगा, तो आप यहाँ से उसे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और नई चीज़ ऐड हुई है कि आप यहाँ से ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ जो फ्रेंड्स मैंने एक पीसेज और का दिखाया अभी आपको, जो मैंने वहाँ पर ठीक किया था यूनिट, तो वो आप देखिए यहाँ पर B2B में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैंने कैश का किया था अभी यहाँ पर सेल, जो मैंने पिछली सेल की हुई है, तो सारी मेरी मिसमैच में चली गई। आपने भी अगर जो भी सेल्स की होंगी सारी आपकी मिसमैच में चली गई होंगी। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन टू बी रिसॉल्व, यहाँ पर आप अंदर जाइए
आप अगर वहाँ से ठीक कर देते हैं जो मैंने अभी ऑप्शन बताया, तो आपका यहाँ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर आप वहाँ ठीक नहीं करते हैं तो आप यहाँ आइए, इसके अंदर इंटर कीजिए, यहाँ पर आप चूज़ कीजिए नोज़ है तो नोज़ के लिए एन प्रेस कीजिए, एन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ नोज़ और नंबर्स इस तरीके से चूज़ कीजिए। आपका ये परफेक्टली ठीक हो गया, वहाँ से हट चुका और आपका यहाँ पर देख सकते हैं B2C स्मॉल इनवॉइस के अंदर आ चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आपकी जो भी आपकी पिछली आपकी सेल्स या परचेज़ वगैरह है उसे आप इस तरीके से सुधार लें इसको इंस्टॉल करने के बाद अपने PC में। और फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जैसे कि पहले आपने एडवांस के लिए बताया था कि हम अनरजिस्टर को सेल करना उससे एडवांस ले रहे हैं या एडवांस की इंक्रीज जो बताई थी आपने टैली में पिछली वर्जन में, तो वो अभी मेरी वर्क नहीं करी। तो फ्रेंड्स मैंने भी आज ही इसे इंस्टॉल किया है, अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें चेक नहीं की हैं, मैंने जो चेक किए मैंने उसके ऊपर वीडियो बता दिया आपको, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, लेकिन बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे अपडेट होऊंगा कि क्या इसमें चेंजिंग आई है या कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस हिसाब से अपनी वीडियोज़ आगे लाते रहूँगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बताऊँ आपको सबसे पहले कि आप कंट्रोल के साथ ई प्रेस करें या बटन बार पर आपको दिखाई दे होगा ई रिटर्न, उस पर आप क्लिक करें, उस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यस प्रेस करेंगे, यस प्रेस करने के बाद आप दो फॉर्मेट्स में इसको निकाल सकते हैं, CSV में और आप एक्सेल। तो CSV में आपको क्या डिफरेंस है और एक्सेल में क्या है, एक्सेल में आपको सारी रिपोर्टिंग एक साथ आ जाएगी और CSV में आपको अलग अलग आएगी, यानी कि B2C की अलग फाइल बनेगी, B2B की अलग फाइल बनेगी और जितनी सारी रिपोर्टिंग है, मैंने तो यहाँ पर एंट्री ज़्यादा की नहीं है तो मेरी पूरी आएगी नहीं, जितनी रिपोर्टिंग है उस हिसाब से आएगी। जैसे मैं इसमें कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ अपना लोकेशन, जो मेरी लोकेशन है उसे मैं चेंज कर लेता हूँ कि मैं इसे कहाँ सेव करूँगा। मैंने इसे टैली कर लिया, सी में मैंने कर लिया, मैं यस करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस आपको दिखाई देना है, ये अलग अलग फाइल्स में क्रिएट हो गए और ये फाइल है CSV, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं अब एक्सेल की बात करूँ तो फिर से मैं इसमें जाऊँगा, यस प्रेस करूँगा, यहाँ पर मैं एक्सेल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर उसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ। लोकेशन चेंज करना जरूरी नहीं है, वो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस लोकेशन में ही चाहिए ये फाइल। आप देखिएगा एक्सेल में जाएगा सारा, फ्रेंड्स। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे GST पोर्टल पे आपको पता ही होगा कि आपको वहाँ पर GST की ऑफलाइन यूटिलिटी मिल जाएगी, तो आप वो डाउनलोड कर लें। तो फ्रेंड्स अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो GST यूटिलिटी आपको विंडोज़ 7 में वर्क नहीं करती है, इवन मैंने विंडोज़ 8 है मेरा उसमें भी वर्क नहीं कर रही है, मेरी दो दो तीन तीन PCs हैं किसी में वो वर्क नहीं करी, और बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं कि उनके PCs में वर्क नहीं करती, लेकिन अगर आपके में वर्क करिए तो आप उसे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आपको ये एक्सेल फाइल को .jsn फाइल में कन्वर्ट करना होगा, तब आप इसे डायरेक्ट अपनी जो GST की पोर्टल है, GST का जो पोर्टल है उस पर आप इसे फाइल कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको सीट्स दिखाई दे रही है, जिसमें आपकी डिटेल होगी उसमें आपको दिखाई देगा, अदरवाइज बाकी में ब्लैंक होगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।